हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एल स्टडी। सो गाइस, आज का वीडियो इग्नू के सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जनवरी 2022 के लिए अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था वीएड के लिए और वो मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल का वेट कर रहे हैं। सो फाइनली आज मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग का डेट लिंक सहित आपको सेंड किया गया है, जिसके ऊपर नोटिफिकेशन इग्नू की तरफ से रिलीज की गई है। सो जितने भी इग्नू वीएड के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जनवरी 2022 के लिए अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था, चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हो, वीडियो में लास्ट तक और कंप्लीट जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, बिकॉज आज मेरिट लिस्ट रिलीज की गई है, काउंसलिंग का डेट, टाइमिंग, शेड्यूल सब आपको रिलीज किया गया है। तो अगर आप ये मिस करेंगे देन आपका एडमिशन भी बीएड में नहीं हो पाएगा। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, सो सेकेंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले टाइम टू टाइम वीएड रिलेटेड एवरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। एंड आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है एंड आपका काउंसलिंग का भी शेड्यूल रिलीज किया गया है। आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर प्रोविजनल एडमिशन काउंसलिंग ऑफ बीएड प्रोग्राम 2022 जनरल कैटेगरी, हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। एंड आप अभी जानना चाह रहे होंगे कि ये किस रीजनल सेंटर के तरफ से अपडेट किया गया है, तो मैं आपको बता दूँ ये पटना रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है। एंड हम लोग अदर के ऊपर भी, दिल्ली हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़, हैदराबाद, इन सभी के ऊपर लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे पटना के लिए, ठीक है। सो सभी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट लास्ट तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पटना रीजनल सेंटर की तरफ से आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है, साथ ही में आपका काउंसलिंग शेड्यूल भी रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पीडीएफ जो कि मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है एंड आपका काउंसलिंग के लिए भी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, टाइमिंग एंड डेट सब आपको बता दिया गया है। सबसे पहले आप मार्क्स देखिए तो जनरल कैटेगरी के अंदर हाईएस्ट मार्क्स गया है पटना रीजनल सेंटर का 79, राइट। और 79 से नीचे कई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपका 78 हो गया, 77 हो गया, 76 हो गया, 75 हो गया, 74 हो गया, और नीचे आएंगे तो 73 हो गया, 72 हो गया, और नीचे आएंगे तो जनरल कैटेगरी के 72 मार्क्स वाले भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, जो कि टोटल 49 स्टूडेंट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी के अंदर है और ये कन्फर्म मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। मीन्स 72 लोएस्ट मार्क्स से लेकर के हाईएस्ट 79 मार्क्स तक सभी स्टूडेंट हैं जो कि आ चुके हैं कंफर्म मेरिट लिस्ट में, और उनकी काउंसलिंग की डेट एंड टाइम एंड लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है। गूगल मीट लिंक के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा, जिसके लिए आप गूगल मीट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पहले से ही रख लीजिएगा, टाइमिंग और डेट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है 12 अक्टूबर, राइट। सो गाइज, ये तो हुआ आपका जनरल कैटेगरी के लिए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आप देख पाएंगे तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपका मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर प्रोविजनल एडमिशन काउंसलिंग फॉर बीएड प्रोग्राम 2022 कैटेगरी जनरल वेटिंग लिस्ट, राइट। तो वेटिंग लिस्ट में टोटल 12 स्टूडेंट्स को रखा गया है, इनका भी डेट एंड टाइम काउंसलिंग का बताया गया है। अगर मार्क्स देखा जाए तो टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं जिनका 71 मार्क्स है जो कि वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर पटना रीजनल सेंटर के, ठीक है। सभी का यहाँ पर डेट एंड टाइम काउंसलिंग का लिंक सब प्रोवाइड कराया गया है, इसलिए आप डेट एंड टाइम को नोट कर लीजिएगा और जब आपका काउंसलिंग होगा तो टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट पटना रीजनल सेंटर के हैं उन्होंने जनवरी 2022 के लिए अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था वीएड के लिए, सो सभी स्टूडेंट अपना अपना यहाँ पर नाम सबसे पहले चेक कर ले, बिकॉज यहाँ पर नाम भी दिया गया है, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रीजनल सेंटर की ओर। तो नेक्स्ट रीजनल सेंटर की ओर बढ़े तो भुवनेश्वर रीजनल सेंटर हो गया, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, रांची हो गया, कोलकाता हो गया, इन सभी का मेरिट लिस्ट अभी रिलीज ही नहीं किया गया है। क्या कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि इन सभी रीजनल सेंटर से है और उनकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है बट उनको ईमेल सेंड किया गया है? तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से भी स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए ईमेल सेंड किया गया था, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, एंड मेरिट लिस्ट बोला गया था जल्द ही वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा, बट अभी तक किया नहीं गया है। सो जैसे जैसे रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका मेरिट लिस्ट आएगा देन वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करते चलूंगी। इसके लिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सो अदर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जब भी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी मैं अपडेट कर दूंगी और आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, बस आप लोग टाइम टू टाइम अपने ईमेल
ईमेल को चेक करते रहिएगा। हो सकता है कि आपको बहुत अर्जेंट ईमेल सेंड किया जाए और उसका टाइमिंग बहुत टाइमिंग पीरियड कम होता है, 3-4 डेज का होता है। तो अगर 3-4 डेज में अगर वो ईमेल नहीं देखते हो, आप मिस कर जाते हो जो आपको बोला जाता है फॉलो करने के लिए, तो आप फिर एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। इसलिए आप अपना ईमेल जरूर टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा, ठीक है। और पटना रीजनल सेंटर वाले स्टूडेंट्स अपना काउंसलिंग के लिए देख ले टाइम टेबल, फाइन नोट कर लीजिएगा। सो गाइज यही सब था आज के इस वीडियो में, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को बताना था, बीएड वाले स्टूडेंट्स को। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को सभी स्टूडेंट्स से शेयर कर दे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।